गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, सो बहुत जगह पे आपको सिंक्रोनस काउंटर पढ़ने को मिल सकता है। मे बी ए सिंक्रोनस काउंटर मैंने भी ऑलरेडी यूट्यूब पे दिया हुआ था, बट फ्लिप फ्लॉप्स के बेसिक्स पे मैंने खुद अभी तक के बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया था। तो यहाँ पे एक अच्छा चांस मिला मुझे, तो मैंने सोचा कि चलिए फ्लिप फ्लॉप्स पे एक डिस्कशन करा लेते हैं, जो कि एक बहुत ही बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट होता है सीक्वेंशियल सर्किट का। ठीक है, सो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोगों को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा बस आज का ये लेक्चर जो है वो आप अटेंड करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली फ्लिप फ्लॉप्स आज पूरा कंप्लीट तो होगा नहीं, डेफिनेटली मैं कंटिन्यू करूंगा। तो आप जैसे देखेंगे थंबनेल में पार्ट वन है आज की क्लास, तो मैं आज बेसिकली लैच से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, फिर हम लोग धीरे धीरे फ्लिप फ्लॉप पे भी जाएंगे, ईच एंड एवरी डिटेल, ऑल दी शॉर्टकट्स, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। और फिर जितने क्वेश्चन आ चुके हैं लगभग ऑल ऑफ देम, लगभग क्या ऑलमोस्ट 100% मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो आप लोग सब लोग रेडी है? ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, सीक्वेंस डिटेक्टर का मैं बिल्कुल एक सेशन प्लान करूँगा। ठीक है, और ओके, चलिए गुड इवनिंग, काफ़ी लोग आ चुके हैं। देखिए, सो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, द फर्स्ट पॉइंट विच विल डिस्कस इज व्हाट इज अ लैच। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो और आउटपुट पूरा 100% निकल के आए, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, ओके, लैच के लिए सबसे पहले एक सिंपल स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, लैच इज नथिंग बट अ क्रॉस कपल्ड गेट्स। क्रॉस कपलिंग ऑफ गेट्स से हमें लैच मिलता है। ठीक है, अब ये जो लैच है ये आपके दो टाइप के होते हैं, लैच आपका नॉर गेट से भी बन सकता है और लैच आपका नैंड गेट से भी बन सकता है। ठीक है, दोनों के दोनों में यहां पे आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं। ठीक है, ये देखिए, सो क्रॉस कपलिंग कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, तो देखिए ये एक नॉर गेट है एंड हियर आई हैव कंसिडर्ड अनदर नॉर गेट। सो ये नॉर गेट के आउटपुट में एक्सटेंड कर देता हूं। अब देखिए, क्रॉस कपलिंग यहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बस एक फ्लो पकड़ने की बात होती है, वो मैं यहां पे आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप बस अच्छे से नोट करते जाइए, ध्यान से सुनते जाइए, कंटिन्यूअसली, रेगुलरली। ठीक है, ओके, अब देखिए, क्रॉस कपलिंग का मतलब, क्रॉस कपलिंग का मतलब इस गेट का जो इनपुट है वो दूसरे गेट के आउटपुट से कनेक्टेड होगा एंड इस गेट का जो इनपुट है वो ऑपोजिट गेट के आउटपुट से कनेक्टेड होगा। इसको सिंपली हम बोलते हैं क्रॉस कपलिंग। तो ये आपका क्रॉस कपलिंग ऑफ द नॉर गेट्स, पहले गेट का इनपुट दूसरे गेट के आउटपुट से, दूसरे गेट का इनपुट पहले गेट के आउटपुट से। सेम एज इट इज आप यहां पे नैंड गेट की क्रॉस कपलिंग भी देख सकते हैं। सो ये देखिए, ये आपका नैंड गेट, दिस इज अनदर नैंड गेट। सो ये आपका नैंड गेट की क्रॉस कपलिंग। अब देखिए, क्रॉस कपलिंग क्या, जैसे हमने डिस्कस किया, पहले गेट का इनपुट दूसरे गेट के आउटपुट से, दूसरे गेट का इनपुट पहले गेट के आउटपुट से, ये आपका क्रॉस कपलिंग। ठीक है, सो ये आपका हो गया, दिस इज योर लैच, दिस इज योर लैच यूजिंग नॉर गेट्स एंड दिस इज योर लैच यूजिंग
नाइन गेट्स। तो जस्ट अभी हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया, सिर्फ लैच हमने डिस्कस किया है। लैच क्रॉस कपलिंग ऑफ गेट्स होता है, नॉर गेट से बन सकता है और नाइन गेट से बन सकता है। नोट कर लीजिए इतना। हाँ प्लेलिस्ट बना दीजिए, ठीक है, मैं बिल्कुल डेफिनेटली प्लेलिस्ट पे वर्कआउट कर लूंगा आपके बाद, ठीक है। इसके बाद काउंटर्स भी करवा देना, मैं डेफिनेटली कुछ डिस्कस कर लूंगा, लेकिन शुभांगी काउंटर्स ऑलरेडी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। या आप जस्ट गेट एकेडमी के चैनल पे सर्च कर लेंगे, सिंक्रोनस काउंटर गेट एकेडमी नाम से यूट्यूब सर्च कर लीजिए, या एसिंक्रोनस काउंटर गेट एकेडमी नाम से सर्च कर लीजिए, या आप मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग। तो ठीक है, कुछ लोग के सेशन अगर मैं कुछ लोग के कमेंट अगर मैं मिस कर दिया हूँगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इनकेस अगर रिक्वायर्ड हो तो आप बिल्कुल दोबारा दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, अजय गुप्ता पूछ रहे हैं कि जिसने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक कि उसको भी समझ में आएगा, तो यस, ये आपको बस इतना पता होना चाहिए कि नॉर गेट और नैंड गेट का आउटपुट कैसे निकालते हैं, बस इतना पता होना चाहिए नैंड गेट की कैरेक्टरिस्टिक्स या नॉर गेट में किस किस कॉम्बिनेशन में क्या क्या आउटपुट मिलते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए टू डी कन्वर्टर, आप लोग बिल्कुल जो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग शायद मे बी न्यू यूजर होंगे, पुराने, जस्ट आप सर्च करके देखिए ना, जस्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग सर्च करके देखिए। ए टू डी कन्वर्टर भी पूछ रहे हैं, तो मैंने काफी बहुत सारे लेक्चर्स डिटेल में, जितने भी एडीसी होते हैं सबकी वर्किंग मैंने डिटेल में डिस्कस की है, वेटेड रजिस्टर मैंने डिस्कस किया है, लैडर डीएसी मैंने लाइव सेशंस में डिस्कस किया है। तो जस्ट आप गेट एकेडमी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। ओके ठीक है, चलिए इतना आपने नोट कर लिया। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके ओके, अब देखिए, अब आपको लैच के बारे में थोड़ा सा डिटेल और पता होना चाहिए। यू शुड नो सम मोर डिटेल्स अबाउट द लैच, कि लैच के बेसिकली आउटपुट कैसे होते हैं, लैच के आउटपुट को हम क्या क्या नोटेशंस यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। सो ये जस्ट एक नॉर गेट का लैच मैं दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए। अब क्रॉस कपलिंग मैंने आपको कैसे बताया था, पहले गेट का जो इनपुट है वो दूसरे गेट के आउटपुट में, दूसरे गेट का जो इनपुट है पहले गेट के आउटपुट में, ठीक है। ये आपका इनपुट, ये आपका इनपुट, ओके। अब देखिए यहां पे सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल में एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशनल सर्किट में आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में आउटपुट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट प्रेजेंट इनपुट एंड सेकेंड इज पास्ट आउटपुट। देखिए कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल का ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशनल में आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट इनपुट्स पे डिपेंड करता है, जबकि सीक्वेंशियल में प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, ये पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहां पे ये इनपुट और पास्ट आउटपुट को आप लैच से कैसे इंटरवलेट करेंगे, ठीक है। देखिए ये आपका आउटपुट है, योर आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड दिस इज योर पास्ट आउटपुट। सो ये आपका पास्ट आउटपुट है, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट आउटपुट है जो कि डिपेंड करेगा प्रेजेंट इनपुट पे और पास्ट आउटपुट पे, प्रेजेंट इनपुट पे और पास्ट आउटपुट पे, ठीक है। अब देखिए नोटेशंस वो भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम ध्यान से देखिएगा। ये देखिए इसको हम लोग
लिखते हैं क्यू एन प्लस वन, ये आपका आउटपुट आ गया, ठीक है, दिस इज योर आउटपुट। अब ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट, ये नॉर्मल आउटपुट, ये कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट। ये कॉम्प्लीमेंटेड क्यों होता है मैं जस्ट अभी कुछ देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये दोनों आउटपुट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम चांसेस है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट ही आते, ठीक है। अब कब नहीं आते, ऑल द एक्सेप्शंस आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब देखिए, ये नॉर्मल आउटपुट, ये कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट एंड कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स ये दोनों एक दूसरे के आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। अब देखो, अगर आउटपुट को मैं क्यू एन प्लस वन लिख रहा हूं, तो ये जो पास्ट आउटपुट है इसको मैं लिखूंगा क्यू एन, और इसको लिखूंगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। सो देखो, ये दोनों पास्ट आउटपुट, ये दोनों पास्ट आउटपुट, और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये सिंपली आउटपुट है, या आप कह सकते हैं प्रेजेंट आउटपुट। एंड इन केस वी वांट टू डिस्कस व्हाट इज द प्रेजेंट इनपुट, दिस इज द प्रेजेंट इनपुट दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो देखिए, ये आउटपुट है, आउटपुट दो तरह के, ये प्रेजेंट आउटपुट है, अभी का आउटपुट, ये पिछला आउटपुट है। कैसे? सीक्वेंशियल सर्किट के फॉर्मूले से रिलेट कीजिए। आउटपुट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट। ये प्रेजेंट इनपुट, ये पास्ट आउटपुट, ये पास्ट आउटपुट कहां से आ रहा है, ये देखिए, ये आपका पास्ट आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे इसी को जो मैंने डिस्कस किया उसी को मैं थोड़ा सा और ज्यादा सिस्टमैटिक वे में आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं, ठीक है। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए था कि एटलीस्ट कुछ वर्ड्स हमको समझ में आए, प्रेजेंट आउटपुट, पास्ट आउटपुट, प्रेजेंट इनपुट। सो इस तरीके से कुछ एटलीस्ट वर्ड्स अब हमें पता है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये दोनों पास्ट आउटपुट है और ये प्रेजेंट आउटपुट है। इससे पहले कि मैं इसको दोबारा डिटेल में एक सिस्टमैटिक वे में बनाऊं, एक चीज और देखिए, हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो प्रेजेंट है, कि जो प्रेजेंट है हम उसको लिखें क्यू एन, तो जो आपका पास्ट है वो हो जाएगा क्यू एन माइनस वन। बट व्हाट इज द रियलिटी, वी यूज प्रेजेंट के लिए हम यूज करते हैं क्यू एन प्लस वन, और पास्ट के लिए हम यूज करते हैं क्यू एन। ये एक्सपेक्टेशन होती है, नॉर्मली प्रेजेंट को एन एन लेते हैं, अगर पास्ट की बात कर रहा हूं तो एन माइनस वन लेते हैं, ठीक है। लेकिन पूरे के पूरे डिजिटल में आपने इससे पहले बुलियन भी पढ़ा होगा, लॉजिक गेट्स भी पढ़ा होगा, स्पेशली बुलियन पढ़ा होगा, नेगेटिव वर्ड का यूज हम वहां पे नहीं करते। ये नेगेटिव हम अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए ये जो एक्सपेक्ट हम करते हैं ये यूज नहीं होता है। फाइनली फाइनली अगर आप देखेंगे, फाइनली अगर आप देखेंगे तो आपका ये यूज होता है। सो हम आगे के नोटेशंस में क्यू एन प्लस वन आपका फ्यूचर नहीं होता है, क्यू एन प्लस वन प्रेजेंट है, क्यू एन पास्ट, ठीक है। दिस इज द नोटेशन विच वी आर गोइंग टू यूज। इसको जो थोड़ा सा डिस्कशन हो गया यहां पे, इसको मैं फिर से एक बार नीट एंड क्लीन में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। ओके सो फर्स्ट क्लास, हाँ बिल्कुल, ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। ओके अच्छा सर हैं, थैंक यू सर, आप वीडियो देख रहे हैं, ग्रेट। दीप्तांशु सर भी आप लोगों के देख रहे हैं, ठीक है। ओके ग्रेट, थैंक यू, मतलब काफ़ी ऐसा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। हाँ सर, बस बिल्कुल बोर्ड सीख रहे हैं, जैसा चांस मिला हमको हम बिल्कुल बोर्ड पे हम अपना जो बेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, दैट वी आर ट्राइंग टू डू, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब देखिए जस्ट वही चीज को मैं एक बार यहाँ पे फिर से डिस्कस करता हूँ। देखिए अब थोड़ा सा एकदम नीट एंड क्लीन में, क्योंकि इसी को हम आगे जाके अभी स्टेट क्या होता है उससे हम डिस्कस करने वाले, ठीक है, स्टेट से हम डिस्कस करने वाले। ये देखिए,
अब जैसे क्रॉस कपलिंग मैंने क्या बताया था, फर्स्ट गेट का जो इनपुट है सेकेंड गेट के आउटपुट से, सेकेंड गेट का जो इनपुट है फर्स्ट गेट के आउटपुट से, ठीक है। सो ये आपका इनपुट, ओके। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये होगा क्यू एन प्लस वन, ये हो गया उसका कॉम्प्लीमेंटेड। रीजन मैंने बताया था, हम नोटिस करेंगे ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। ये हो गया आपका क्यू एन एंड ये हो गया आपका क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। अब देखिए, अगर मुझे नेम्स को कंप्लीट लिखना है तो अब यहां पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपका हो गया प्रेजेंट नॉर्मल आउटपुट और ये हो गया प्रेजेंट कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट एंड दिस इज पास्ट नॉर्मल आउटपुट। ये सब आप नोट कर लीजिए अच्छे से। दिस इज पास्ट कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट, ठीक है। जैसे कि देखिए, इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो दोनों कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो दोनों नॉर्मल है। ये प्रेजेंट है और ये पास्ट, जो पहले आउटपुट मिल चुके, ये पास्ट आउटपुट, ठीक है। और ये आपके दोनों प्रेजेंट इनपुट, ये आपके दोनों प्रेजेंट इनपुट, ओके। अब यहां पे एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ये जो आपका होता है, दिस इज कॉल्ड एज यू कैन से मेन आउटपुट, दिस इज द मेन आउटपुट और सिंपली यू कैन से द आउटपुट। हमेशा हम इतने डिटेल नाम में नहीं जाएंगे, सिंपली अगर हम आउटपुट की बात करेंगे, मतलब हम इस पर्टिकुलर आउटपुट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जस्ट आप एक नोट कर लीजिए, सिस्टमैटिक वे में है कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, नॉर्मल क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, बहुत ही सिंपल से नोटेशन है, ठीक है। अभी जस्ट हम इसको यूज करना स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक मैं सिर्फ आपको नोटेशन से फेमिलियर करा रहा था। लैच क्या होता है, क्रॉस कपलिंग ऑफ द गेट होती है, नॉर गेट से बन सकता है और नैंड गेट से बन सकता है। आउटपुट किस किस डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, प्रेजेंट आउटपुट, पास्ट आउटपुट, वो सब हमने डिस्कस किया और ये उसका फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। अब ये हमने इतना डिटेल में डिस्कस इसलिए किया क्योंकि स्टेट की जो हम बात करते हैं, स्टेट की जो हम बात करते हैं वो इन आउटपुट्स पे डिपेंड करेगा। और वो भी ध्यान से देखिए, मैंने मार्क किया हुआ है, ये आपका मेन आउटपुट है या सिंपली आउटपुट है, ठीक है। नोट कर लीजिए इतना। प्रेजेंट आउटपुट को आप लोग बोल रहे हैं, किसी ने बोल रहा है कि नेक्स्ट स्टेट बोल सकते हैं, बिल्कुल आप वेट कीजिए, मैं आऊंगा नेक्स्ट स्टेट पे भी, मैं आऊंगा नेक्स्ट स्टेट पी भे, नेक्स्ट स्टेट पी, नेक्स्ट स्टेट पे मैं आऊंगा। कैन यू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डिले इन कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल टाइम प्रेजेंट टाइम? यस डेफिनेटली, वेरी सून। ये जो आपका फ्लिप फ्लॉप के बाद मैं आपका होल टाइम और डिले टाइम का ही प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम प्लानिंग फॉर द होल टाइम एंड डिले टाइम ओनली, ठीक है, ओके। सो ये आपने नोट कर लिया होगा, ओके। अब देखिए, अब यहां पे स्टेट्स पे डिस्कशन हम कर लेते हैं। अब यहां पे हम डिस्कशन कर लेते हैं स्टेट्स के ऊपर, ठीक है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज द स्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टेट्स ऑफ लैच। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो स्टेट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये फ्लिप फ्लॉप पे भी कंटिन्यू होगा। All these states will be used in flip-flop also. So, मैं यहाँ पे ही अभी से ही लिख सकता हूँ कि जो भी हम states discuss कर रहे हैं वो latch और flip-flop के दोनों के लिए। And
बिल्कुल, मैं जब लैच के बाद फ्लिप फ्लॉप जाऊंगा, कैसे डिफरेंशिएट करना है, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, सब कुछ माइन्यूट डिटेल्स पे मैं जाने वाला हूं। तो जस्ट आप नोट बहुत अच्छे से कीजिए जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इस पूरी क्लास में, ठीक है? ओके, सो देखिए, सबसे पहला जो स्टेट होता है, द फर्स्ट स्टेट वी कॉल इट एज सेट स्टेट। सेट स्टेट में सबको पता है कि आउटपुट वन हो जाता है, लेकिन अब हमें और अच्छे से पता है कि अगर मैं आउटपुट की बात कर रहा हूं, अगर मैं मेन आउटपुट की बात कर रहा हूं, तो वो क्यू एन प्लस वन होता है। तो सेट स्टेट क्या होती है? सेट स्टेट होती है कि जब क्यू एन प्लस वन आपका वन होता है एंड क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट आपका जीरो, ठीक है? अब अगेन मैं यहां पे एक बार फिर से लिख लेता हूं कि जब भी हम आउटपुट की बात करते हैं या हम मेन आउटपुट की बात करते हैं, ये आपका होता है क्यू एन प्लस वन, जो कि आपका होता है प्रेजेंट नॉर्मल आउटपुट, प्रेजेंट नॉर्मल आउटपुट, ठीक है? सो देखिए, मेन आउटपुट अगर वन हो गया, उसी को हम बोलते हैं सेट। मेन अगर वन हो गया तो कॉम्प्लीमेंटेड हैज टू बी जीरो। बहुत ही सिंपल सा स्टेट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट स्टेट पे आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है रीसेट स्टेट। अगेन देखिए, बहुत ही सिंपल है, मेन आउटपुट वन को अगर हम सेट बोलते हैं, वैसे ही मेन आउटपुट अगर आपका लॉजिक लो हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज रीसेट। और मेन आउटपुट अगर जीरो है तो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट वन हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट क्या हो जाएगा? वन। सिंपल है, देखिए, मेन आउटपुट वन तो सेट, मेन आउटपुट जीरो तो कॉम्प्लीमेंटेड। मेन आउटपुट वन है तो कॉम्प्लीमेंटेड जीरो, मेन आउटपुट जीरो तो कॉम्प्लीमेंटेड वन। एकदम सिंपल, बहुत ही सिंपल। ओके, नेक्स्ट होल्ड स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, ध्यान से देखिए। होल्ड स्टेट, ये सब स्टेट मिलता कैसे है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बिल्कुल उन सारे स्टेप्स पे मैं इसके बाद जाने वाला हूं। बट पहले हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि स्टेट्स का नाम क्या होता है। अगर आपको ऐसा आउटपुट मिला तो ये सेट स्टेट होता है, अगर ऐसा आउटपुट मिला तो रीसेट स्टेट होता है। अब होल्ड स्टेट पे भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखो, ध्यान से सुनिएगा, ये सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। देखो, मेन आउटपुट वन है तो सेट, मेन आउटपुट जीरो रीसेट। अब ये कंडीशन होती है क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू क्यू एन। इसका मतलब आउटपुट क्या मिला वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना गारंटीड है कि जो पहले आउटपुट था वही रिपीट हुआ। जैसा कि हमने डिस्कस किया था ये आपका प्रेजेंट आउटपुट है और ये आपका पास्ट आउटपुट। सिंपली जो पहले आउटपुट था वही आउटपुट रिपीट हुआ, मतलब आउटपुट के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इसी को हम बोलते हैं होल्ड स्टेट। सो क्यू एन प्लस वन अगर क्यू एन के इक्वल है, इन दिस सेम वे क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। ये आपका हो गया होल्ड स्टेट, ठीक है? ये आपका हो गया होल्ड स्टेट। ओके, नेक्स्ट है इनवैलिड स्टेट। इनवैलिड स्टेट भी बहुत ही सिंपल है, क्यू एन प्लस वन और क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट का सेम हो जाना। देखिए, स्टार्टिंग से ही मैं आपको बोल रहा हूं कि एक क्यू एन प्लस वन है तो दूसरा क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट नाम ही इसीलिए रखा गया था क्योंकि वो क्यू एन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अगर किसी कंडीशन में दोनों सेम हो गए, अगर किसी कंडीशन में क्यू एन प्लस वन और क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट सेम हो गए, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इनवैलिड स्टेट। उसके नाम से ही क्लियर है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने ही नहीं चाहिए, तभी तो हमने इसका नाम कॉम्प्लीमेंटेड दिया था।
लेकिन अगर किसी कंडीशन में दोनों सेम हो जाते हैं देन इट इज कॉल्ड इनवैलिड स्टेट। एंड हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं कि ये स्टेट कौन सी होती है और कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज और यू कैन से द लास्ट वन इज टॉगल स्टेट। नेक्स्ट वन इज और द लास्ट वन इज यू कैन से टॉगल स्टेट। देखिए होल्ड में आपने क्या बोला था, याद कीजिए, होल्ड में मैंने क्या डिस्कस किया था, होल्ड में मैंने डिस्कस किया था जो पास्ट आउटपुट है वही अगर रिपीट हो जाएगा, मतलब आउटपुट चेंज नहीं होगा, होल्ड स्टेट आउटपुट चेंज नहीं होना, होल्ड मेंटेन करना। लेकिन टॉगल में जस्ट ऑपोजिट होता है, क्यूएन प्लस वन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यूएन, आउटपुट डेफिनेटली चेंज होगा। और डिजिटल में चेंज होने के लिए दो ही चीजें हैं, या तो जीरो से चेंज होके वन में जाएगा या तो वन से चेंज होके जीरो में जाएगा, ठीक है, ओके। क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू, देखिए होल्ड का जस्ट ऑपोजिट है, होल्ड में जो पहले था वो मेंटेन रहेगा, टॉगल में जो पहले था वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और यहां पे कॉम्प्लीमेंट होने का दो ही मीनिंग है, जीरो से कॉम्प्लीमेंट होके वन होगा या तो वन से कॉम्प्लीमेंट होके जीरो में होगा, ठीक है, ओके। एंड Qn प्लस वन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू Qn। अच्छे से इसको सबको नोट कर लीजिए, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। प्लेलिस्ट के लिए जो लोग बोल रहे हैं ठीक है, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, प्लेलिस्ट से अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक बार प्लान करके टाइम निकाल के प्लेलिस्ट जो है वो बिल्कुल आपको प्लेलिस्ट आपको मॉडिफाई करके दे दूंगा। बिल्कुल जो आप होल टाइम डिले टाइम के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यस मैंने आपका वो कमेंट देके बोला था, यस वी विल डिस्कस फ्लिप फ्लॉप का जो कुछ ये वीडियोस होने के बाद, सम नंबर ऑफ वीडियोस होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, फ्लिप फ्लॉप कंप्लीट होने के बाद वी विल डेफिनेटली डिस्कस डिले टाइम, सॉरी होल टाइम एंड सेटअप टाइम 100% पक्का। और टेलीग्राम लिंक शेयर करना है, मैं जस्ट ठीक है कर दूंगा, मतलब मेरे वीडियो खत्म होने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा, बट अगर बाकी किसी के पास अगर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो प्लीज़ यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, है ना, प्लीज़ अपडेट कर दीजिए ताकि कुछ लोग को जो नहीं दिख रहा है नहीं है वो आ सकते हैं, ठीक है। हाँ बफरिंग के लिए जो प्रॉब्लम थी वो हमने सॉर्ट आउट कर दी है, ठीक है। टेक्निकल टीम ने लॉकडाउन होते हुए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके और बहुत ज़्यादा अपनी उनकी जो खुद की टीम होती है उनको सब लोग जो घर से काम करके जो VOD में जो थोड़ा सा बफरिंग का इश्यू था जो कि आपके मेनली नेटवर्क के कारण है, जो कि हमारे नेटवर्क के कारण है, क्योंकि हमको सबको पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सब अपने घर में बैठ के नेटफ्लिक्स अमेजन और हॉटस्टार ही देख रहे हैं। सो इसीलिए हमने क्या कराया, हमने अपने फॉर द टाइमिंग हमने अपने या हो सकता है हमेशा के लिए रहे हमने अपने सर्वर्स को बहुत ज़्यादा एनहेंस किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनहेंस किए जिससे कि कम नेटवर्क में भी या लो नेटवर्क में भी आपके वीडियोस बफर नहीं करेंगे। तो अगर आपका एक मॉडरेट या डिसेंट कनेक्शन भी है तो वो अब बफर नहीं करेगा, उसके लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, गेट अकेडमी लर्निंग ऐप है उसको आप वहाँ से जाके अपडेट कीजिए, उसको आप वहाँ से जाके अपडेट कीजिए। टेलीग्राम लिंक की बाकी लोग चिंता मत कीजिए, ठीक है, मैं बिल्कुल पोस्ट कर दूंगा, आई विल माई सेल्फ पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके ठीक है, तो चलिए एक बार जस्ट लास्ट टाइम, मेन आउटपुट वन सेट, मेन आउटपुट जीरो रीसेट। आउटपुट वन या जीरो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आउटपुट था वो मेंटेन रहेगा, चेंज नहीं होगा, इज योर होल्ड स्टेट। नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट सेम नहीं होना चाहिए, बट अगर किसी कंडीशन में सेम हो गया इनवैलिड। टॉगल इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ होल्ड, होल्ड में जो पहले था वही रिपीट होगा, टॉगल में जस्ट द ऑपोजिट, जो भी पहले था वो कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर पहले जीरो था तो कॉम्प्लीमेंट होके वन हो जाएगा, अगर आउटपुट पहले वन था तो कॉम्प्लीमेंट होके जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपने नोट कर लिया होगा लैच के बारे में, ओके। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, अब लैच तो हो गया,
आपको ये भी पता है कि एस आर लैच बोलते हैं। यह डिस्कशन का मेन मोटिव है कि मुझे कैसे पता चले कि कौन सा इनपुट सेट होगा या कौन सा इनपुट रीसेट होगा। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन, कौन सा इनपुट सेट होगा और कौन सा इनपुट रीसेट होगा। ध्यान से देखिए, सो देखिए अभी के लिए देखिए, मुझे तो नहीं पता है कि कौन सा इनपुट सेट है या रीसेट है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल मैं उसको रखता हूं, मैं उसको नाम दे देता हूं ए एंड बी। मैं इनपुट्स को नाम दे देता हूं ए एंड बी, मैं इनपुट्स को नाम दे देता हूं ए एंड बी, और मैं इनपुट्स को नाम दे देता हूं ए एंड बी। सेम सर्किट फोर टाइम्स आपको दिख रहा है, क्योंकि दो इनपुट है, दो इनपुट के चार कॉम्बिनेशन होंगे। अब ध्यान से देखिए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज क्यू एन प्लस वन, दिस इज क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज द स्टेट, ठीक है। दिस इज द स्टेट, फोर कॉम्बिनेशन आर देयर, ठीक है, फोर कॉम्बिनेशन आर देयर। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकेंड कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन एंड द फोर्थ कॉम्बिनेशन। कौन कौन से कॉम्बिनेशन है देखिए, वो भी सिंपल है, ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू वन एंड बी इज इक्वल टू वन। आप जस्ट अब देखिएगा, मैं जो आपको यहां पे टेक्निक बताने वाला हूं बहुत ज्यादा सिंपल है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली किसी भी क्वेश्चन में ये लॉजिक फेल नहीं हुआ है और ना आगे किसी आने वाले गेट एग्जाम के क्वेश्चन में ये सब लॉजिक्स फेल होंगे। किसी भी क्वेश्चन में लॉजिक फेल होने वाला नहीं है, दैट इज गारंटेड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे लैच के डिस्कशन के बाद मैं कुछ कंक्लूजन्स आपको दूंगा। हम जब फ्लिप फ्लॉप में जाएंगे तो हम इन डिटेल दोबारा ऐसा कोई भी काम में मेहनत में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जिसका रिजल्ट हमारे पास है। लैच का हम डिस्कशन अभी डिटेल में करेंगे, बट वी विल मेक श्योर कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक कंक्लूजन हमारे पास है, जिससे कि आगे आने वाले किसी भी फ्लिप फ्लॉप या काउंटर के क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इट विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, द वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंड उसको आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लीजिए और आपके आने वाले गेट एग्जाम में भी आप जाके अप्लाई कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन 100% बनने वाला है। ओके, ओके, सो ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, ग्रेट, थैंक यू। ठीक है, देखिए अब देखो ये कॉम्बिनेशंस को भी मैं लिख लेता हूं। देखो पहला कॉम्बिनेशन ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू वन एंड बी इज इक्वल टू वन। मैं स्टार्ट करूंगा सबसे सिंपलेस्ट वाले से, और मुझे यहां पे सबसे सिंपल दिख रहा है ये सेकेंड वाला। ध्यान से देखिएगा, ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू वन, ये देखिए इससे मैं स्टार्ट करूंगा, ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू वन, ये सेकेंड वाले से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ये सेकेंड वाला, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। ओके, अब देखो ये है क्यू एन प्लस वन एंड दिस इज क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट, दिस इज क्यू एन एंड दिस इज क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। ये सभी में है, मैं एक बार जस्ट लिख लेता हूं, सेम चीज है, क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट, क्यू एन एंड क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, क्यू एन प्लस वन, दिस इज क्यू एन, दिस इज क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, क्यू एन प्लस वन, क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट, दिस इज क्यू एन एंड दिस इज क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। देखिए बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, ध्यान से देखिएगा। ओके, अब देखो इस नॉर गेट का इनपुट वन है, ठीक है, इस नॉर गेट का इनपुट वन है, नॉर गेट का इनपुट वन है, तो आउटपुट सोचने के लिए नीड है क्या? मुझे दूसरे इनपुट की कोई नीड नहीं है, कुछ भी हो,
ये दूसरा इनपुट कुछ भी हो मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, नॉर गेट का एक इनपुट 1 है जिसके कारण ये आउटपुट आपका आने वाला है 0। मुझे कोई मतलब नहीं है कि दूसरा इनपुट क्या था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, देखिए नॉर गेट का एक इनपुट 1 है, मुझे दूसरे इनपुट की नीड नहीं है। नॉर गेट का इनपुट अगर 1 होगा तो आउटपुट कितना मिलेगा 0। बहुत ही सिंपल है, देखिए 1 देखिए 1 प्लस ए होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। नॉर गेट का एक इनपुट 1 है तो मुझे कोई नीड नहीं है दूसरे इनपुट की, एक इनपुट 1 होगा तो आउटपुट हैज टू बी 0। ठीक है, आउटपुट को 0 होना ही है। अब देखिए ये आउटपुट 0 आ गया ना, ये जो आउटपुट आपका 0 आ गया, अब आप देखिए ये क्रॉस कपलिंग से यहां पे आ गया 0, ये आउटपुट 0 क्रॉस कपल्ड है ना, लैच का मतलब क्रॉस कपलिंग। क्रॉस कपलिंग का मतलब दूसरे गेट का जो आउटपुट 0 था वो पहले गेट के इनपुट को 0 कर देगा। अब इस नॉर गेट के दोनों इनपुट 0 हो गए, 0 प्लस 0 होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू 1। इस कॉम्बिनेशन में मेन आउटपुट 1 कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट 0, इस कॉम्बिनेशन में मेन आउटपुट 1 कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट 0। मेन आउटपुट आपको जब भी 1 मिलता है उसको आप कौन सा स्टेट बोलते हैं, उसको आप बोलते हो सेट स्टेट। देखिए जैसे ही थर्ड, जैसे ही सेकंड कॉम्बिनेशन था ना, एग्जैक्टली वैसे ही थर्ड कॉम्बिनेशन, आप एक बार फिर से आप देखिए थर्ड कॉम्बिनेशन में डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद सेकंड और थर्ड दोनों 100% आपके पास क्लियर हो जाएगा। फिर से देखिए कॉम्बिनेशन नंबर 3, ठीक है, अब आपका कॉम्बिनेशन नंबर 3, ये आपका कॉम्बिनेशन नंबर 3, ये देखिए दिस इज योर कॉम्बिनेशन नंबर 3, देखो दिस इज 1 एंड दिस इज 0। आपको उस नॉर गेट से स्टार्ट करना है जिसका इनपुट 1 है, क्योंकि किसी भी नॉर गेट का इनपुट अगर 1 है तो उसका आउटपुट कितना होगा 0, सिंपल उसका आउटपुट 0। नॉर गेट का एक इनपुट अगर 1 है तो आपको दूसरे इनपुट का वेट करने की कोई नीड नहीं है, नॉर गेट का एक इनपुट 1 है तो आउटपुट कितना होगा 0। ठीक है, अब देखिए यहां पे पहले गेट का जो आउटपुट है 0, ये क्रॉस कपलिंग से दूसरे गेट के इनपुट में आ गया, ये हो गया 0। क्रॉस कपलिंग से पहले गेट का जो आउटपुट है 0, दूसरे गेट के इनपुट में आ गया 0। अब इस नॉर गेट का 0 एंड 0 जब इनपुट है तो 0 एंड 0 जब नॉर गेट में जाएगा, 0 प्लस 0 होल कॉम्प्लीमेंट ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1। सो थर्ड कॉम्बिनेशन में ये देखिए, ये थर्ड कॉम्बिनेशन की जो हम बात कर रहे थे, मेन आउटपुट इज इक्वल टू 0, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट इज इक्वल टू 1। जैसे मेन आउटपुट को सेट बोलते हैं वैसे ही मेन आउटपुट 0 को क्या बोलते हैं, रीसेट, सिंपल। ठीक है, अब 2 एंड 3 आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं जस्ट आगे भी डिस्कस करने वाला, ठीक है, ओके। सो ठीक है, टेली टीम यहाँ पे रेडी है, हम गेट एकेडमी की, तो उन्होंने सब कुछ रिप्लाई करना भी आपका स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ओके, हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो और आसान वाला है, सबसे ज्यादा आसान वाला है उसको देखिए, ये देखिए सबसे आसान वाला, ये फोर्थ कॉम्बिनेशन सबसे आसान। अब देखो नॉर गेट का एक इनपुट 1 है, आउटपुट कितना हो जाएगा 0। नॉर गेट का इनपुट 1 होने से आपको वेट करना ही नहीं है, नॉर गेट का इनपुट 1 मतलब आउटपुट 0। इस नॉर गेट का इनपुट भी 1 है तो ये आउटपुट भी कितना हो गया 0। तो ये जो कॉम्बिनेशन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं, ये दोनों आउटपुट 0 हो गए। अब आप ध्यान से देखो, मेन आउटपुट 0 कॉम्प्लीमेंटेड 1 होगा तो उसको रीसेट बोलोगे। यहां पे ध्यान से देखिए, ये आपका मेन आउटपुट और ये कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट दोनों सेम हो गए, जो कि होने नहीं चाहिए थे,
जो कि होने नहीं चाहिए थे, बट जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मैं आपको कंडीशन बताऊंगा, तो इस पर्टिकुलर इनपुट कंडीशन में नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट दोनों जीरो हो गए। नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट दोनों जीरो होने का मतलब है, नॉर्मल एंड कॉम्प्लीमेंट दोनों जीरो होने का मतलब है सेम हो गए, और इसी को हम लोग बोलते हैं इनवैलिड स्टेट, इसी को हम लोग बोलते हैं इनवैलिड स्टेट। बिल्कुल करेक्ट, इनवैलिड स्टेट, इनवैलिड स्टेट। ओके, अब देखिए ये फर्स्ट कंडीशन बच गई, इस पे आ जाते हैं वापस, ठीक है। ओके, अब देखिए, देखो दिस इज ऑल्सो जीरो एंड दिस इज ऑल्सो जीरो। यहां पे सेकेंड में स्टार्ट करना क्यों आसान था, नॉर गेट का एक भी इनपुट वन है तो आउटपुट जीरो, इट वॉज इजी टू स्टार्ट। नॉर गेट का एक भी इनपुट वन है तो आउटपुट इज इक्वल टू जीरो, नॉर गेट का इनपुट वन है तो आउटपुट जीरो, नॉर गेट का इनपुट वन है तो आउटपुट जीरो। हमने यही स्टेटमेंट अभी तक हमेशा यूज किया था, ध्यान से देखिए मैं फिर से बता देता हूं, हमने अभी तक के क्या यूज किया कि नॉर गेट का अगर एक इनपुट वन है, दूसरा कुछ भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आउटपुट कितना होगा जीरो। इनपुट वन आउटपुट विल बी जीरो, 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 यही अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे। लेकिन यहां पे दोनों जीरो, यहां पे दोनों जीरो है। अब देखो क्या होगा, ये जो क्यूएन है, ये क्यूएन यहां पे अवेलेबल होगा, एंड ये जो क्यूएन कॉम्प्लीमेंट है ये यहां पे अवेलेबल होगा। अब इससे क्या होगा, इस नॉर गेट के दोनों इनपुट मुझे पता चल गए, तो कितना आ गया, ये आ गया जीरो प्लस क्यू एन कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू क्यू एन। वैसे ही इन द सेम वे ये दोनों पता चल गया, जीरो प्लस क्यू एन का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू क्यू एन, ये देखिए क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू क्यू एन, और क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू क्यू एन, और क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, दिस वन इज कॉल्ड एज होल्ड स्टेट। बस आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाइए, मेरी गारंटी आज की क्लास में ही पहले तो हम लैच के क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करेंगे, ठीक है, लैच के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व, ठीक है। ओके ओके, तो आप लोग जस्ट नोट कर रहे हैं, मैं साथ साथ में कमेंट्स भी पढ़ते जा रहा हूं, तो बीच में आप लोग बिल्कुल नोट करना कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो देखिए सेकेंड और थर्ड, देखिए जस्ट फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं, थोड़ा सा दो चार मिनट हम और डिस्कस कर लेते हैं, अगला मैं नाइन्थ गेट करवाऊंगा उसमें आसानी से आप लोग से खुद से सॉल्व होगा, ठीक है। बट एक बार फिर से देखिए, देखो सेकेंड से मैंने स्टार्ट किया था, सबसे सिंपल किसी भी नॉर गेट का इनपुट वन है तो आउटपुट जीरो हो गया। अब ये जीरो क्रॉस कपलिंग से इस गेट के इनपुट में आ गया, तो जीरो एंड जीरो आउटपुट विल बी वन, सेम। ये इनपुट वन नॉर गेट का इनपुट वन, आउटपुट इज जीरो, आउटपुट जीरो ये क्रॉस कपलिंग से यहां पे आ गया, जीरो एंड जीरो अप्लाइड टू नॉर गेट आउटपुट इज वन। देखिए बस मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप नॉर गेट के अगर इनपुट आपको पता है तो आप आउटपुट निकाल सके, बस उससे ज्यादा मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नॉर गेट के इनपुट से आप उसका नॉर गेट का आउटपुट निकाल सके, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आप सब कुछ ये नोट बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। ओके, अब देखिए ये तो सबसे आसान था, दोनों इनपुट वन दोनों आउटपुट जीरो, लेकिन जब दोनों आउटपुट जीरो होते हैं उसको हम इनवैलिड, दोनों आउटपुट सेम हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं इनवैलिड स्टेट, उसको हम क्या बोलते हैं इनवैलिड स्टेट, ठीक है। सो देखो मेन आउटपुट वन सेट, मेन आउटपुट जीरो रीसेट, सब कुछ मेन आउटपुट पे डिपेंड करता है, दोनों सेम हो गए जो कि नहीं होने चाहिए, इनवैलिड स्टेट। और फिर ये हमने डिस्कस किया कि दोनों जीरो हो गए तो मुझे दूसरे इनपुट की नीड थी,
तो ये QN यहां पे अवेलेबल होगा, ये QN कॉम्प्लीमेंट यहां पे अवेलेबल होगा, जिससे QN प्लस वन इक्वल टू QN और QN प्लस वन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू QN कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम होल्ड स्टेट बोलते हैं। पुराना आउटपुट रिपीट करना, QN इज इक्वल टू QN ओनली, ठीक है, QN प्लस वन इज इक्वल टू QN ओनली, एंड सिमिलरली QN प्लस वन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू QN कॉम्प्लीमेंट, इसको हम कहते हैं होल्ड स्टेट। अब आप देखिएगा, अब मैं इनपुट का यहां पे आपको नाम डिक्लेयर करने वाला हूं कि कौन से इनपुट को सेट बोलेंगे और कौन से इनपुट को रीसेट बोलेंगे, कौन से इनपुट को सेट बोलेंगे और कौन से इनपुट को रीसेट बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए कौन से इनपुट को सेट बोलेंगे और कौन से इनपुट को रीसेट। अब मैं कंक्लूजन की तरफ जाने वाला हूं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, ध्यान से देखो। जब ए इनपुट वन हो जाता है, जब आपने ए में इनपुट दिया, रीसेट स्टेट चले गए। ए में इनपुट देने से आपका लैच रीसेट स्टेट में चले गया, इसीलिए ए का नाम मुझे रीसेट इनपुट देना चाहिए। ए में इनपुट देने से लैच रीसेट स्टेट में चले गया, तो मुझे ए का नाम रीसेट देना चाहिए। वैसे ही बी में इनपुट देने से हमारा लैच सेट स्टेट में गया, तो बी का नाम मुझे सेट इनपुट देना चाहिए। सिंपल है। ए में इनपुट देने से मेरा लैच रीसेट स्टेट में गया, तो मैंने ए का नाम रीसेट इनपुट दे दिया। बी में इनपुट देने से मेरा लैच सेट में गया, इसीलिए मैंने बी का नाम सेट दे दिया। अब आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग और कितने इजी वे में आप इसको याद रखेंगे। बस यही कंक्लूजन जो ये बस अभी जो डिस्कशन चल रहा है ना, दिस इज द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ द लैच, और बस आपको इतना ही चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और ऐसा ही डिस्कशन नैंड गेट में भी चाहिए, ठीक है। जस्ट अब ध्यान से देखिए, अब देखो कितना सिंपल और इंटरेस्टिंग वे। देखिए आपने बी में इनपुट दिया, सेट हो गया, आपने ए में इनपुट दिया, रीसेट हो गया, आपने किसी में इनपुट नहीं दिया, लैच वेट कर रहा है और होल्ड स्टेट में, लैच होल्ड स्टेट में वेट कर रहे कि आप उसको कुछ इनपुट देंगे। अगर आप बी इनपुट दोगे तो वो सेट हो जाएगा, अगर आप ए इनपुट दोगे तो वो रीसेट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कोई भी इनपुट नहीं दिया तो वो होल्ड स्टेट में वेट कर रहा है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको देख के जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया था, वे सारे लोग इस वीडियो को जाके लाइक करेंगे इसको बोलने के बाद, जिस वे में मैं ये स्टोरी को कनेक्ट कर रहा हूं, मुझे सबका लाइक चाहिए, एंड मुझे शेयर बटन में जाके, मैं 2 मिनट का वेट करूंगा, मुझे शेयर बटन में जाके सब फ्रेंड्स को, सारे अपने क्लास में जितने भी ग्रुप्स हैं सबको जाके वीडियो शेयर करोगे अगर आपको अच्छा लगा तो, ठीक है। देखिए बी सेट, बी में इनपुट देने से सेट हो गया, ए में इनपुट देने से रीसेट हो गया, दोनों इनपुट नहीं दिए, लैच वेट कर रहा है होल्ड स्टेट में कि आप उसको कुछ इनपुट देंगे, एंड अगर आपने दोनों इनपुट दे दिया, आपने लैच को बोला सेट हो जा, फिर बोला रीसेट हो जा, तो लैच कंफ्यूज हो गया, और लैच कंफ्यूज होकर कहां पहुंच गया, इनवैलिड स्टेट में। ध्यान से देखिए, ये सेट इनपुट है ना, सेट इनपुट देने से लैच सेट हो गया, रीसेट इनपुट देने से लैच रीसेट हो गया, दोनों इनपुट आपने नहीं दिया, लैच वेट कर रहा है कि आप कुछ इनपुट देंगे, और होल्ड स्टेट में वेट कर रहा है, एंड दोनों इनपुट दे दिया, मतलब ये तो ये बात हो गई कि आपने लैच को बोला सेट भी हो जा, रीसेट भी हो जा। अब लैच बोला कि मैं क्या हूं, सेट हूं रीसेट हूं, उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो कंफ्यूज होकर कहां चले गया, इनवैलिड स्टेट में चले गया, ठीक है। एक और बार कंक्लूजन बताऊंगा, 1 मिनट का ब्रेक है, सभी लोग जाके लाइक कीजिए अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा, समझ में आया अभी तक की क्लास, एंड सभी जाके शेयर कीजिए, ऑल ऑफ यू शुड शेयर दिस वीडियो विथ योर क्लास व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो जस्ट मैं वेट कर रहा हूं, बिल्कुल आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक्स एकदम से बढ़ना चाहिए, ठीक है, लाइक्स एकदम से बढ़ना चाहिए, शेयर कीजिए, है ना। और देखिए बहुत इंटरेस्टिंग वे में अभी कंक्लूड करूंगा, ठीक है, अभी आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है बोर्ड पे,
मैं जस्ट थोड़ा सा साफ करके, और एक और आसान, वैसे तो आसान हो चुका ही है बट एक प्रॉपर वे में आप नोट कर सके इसलिए मैं आपको भी लिखवाऊंगा, ठीक है। यस, ये एक्टिव हाई इनपुट है, बिल्कुल करेक्ट अजय, ये एक्टिव हाई है। एंड डोंट वरी, जस्ट मैं एक्टिव हाई और एक्टिव लो पे भी आऊंगा, जस्ट मैं नैंड गेट पहुंच जाऊं एक बार मैं नैंड गेट पहुंच जाऊं, ठीक है, फिर देखिए एक्टिव लो एक्टिव हाई सब समझ में आएगा। चलिए जल्दी सब लोग शेयर करके वापस आइए। चलिए अब कंक्लूजन की तरफ चले, थोड़ा सा जस्ट एक इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया था तो एक बार जस्ट मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि वापस साउंड क्लियर है, ठीक है। जस्ट एक छोटा सा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया था मेरे घर पे, तो जस्ट एक कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि वॉइस वीडियो दोनों ऑडिबल है, ठीक है। जस्ट एक छोटा सा फेलियर हो गया था, क्लियर साउंड, यस सर, ठीक है। देखिए चलिए, ओके, सब कुछ क्लियर है ना, ठीक है। जस्ट मेरे को 2 मिनट का समय दीजिए, जब तक आपने जो नोट किया उसको देखते जाइए, जस्ट मेरे को 2 मिनट का समय दीजिए। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया था तो आई नीड टू चेक जो मैंने स्लाइड्स बना के रखी थी आप लोगों के लिए वो यहाँ पे। एग्जैक्टली सेव नहीं हो पाया, ठीक है, कोई इशू नहीं है, नो इश्यूज एट ऑल, ओके, ठीक है, चलिए, ओके। सो देखो, ये हम नॉर लैच के कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, ये हम नॉर लैच के कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। बस यही पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, यही पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। Qn plus 1 कॉम्प्लीमेंट, दिस इज Qn कॉम्प्लीमेंट। अब ये हमारा सो कॉल्ड इनपुट A था और ये हमारा सो कॉल्ड इनपुट B था, एंड मैंने आपको जस्टिफाई किया कि A इनपुट को हम रीसेट इनपुट बोलेंगे, सो दिस इज नाउ माय रीसेट इनपुट एंड दिस इज नाउ माय सेट इनपुट। अब देखिए कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैं बता रहा था, देखो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आई होप कि सब कुछ क्लियर है ना, सब लोग ने लिख दिया कि हाँ सब कुछ ठीक है,
ओके ठीक है, चलिए ओके। अब देखो वापस आ जाइए, अगर मैंने सेट में इनपुट दिया और रीसेट में इनपुट नहीं दिया, तो सिंपल, आपने इनपुट कहां दिया? सेट में दिया, कौन से स्टेट पे जाएगा? सेट स्टेट में जाएगा। सेट स्टेट में क्या होता है? मेन आउटपुट 1 होता है और कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट 0 होता है, सिंपल यही होता है, बस ये कंक्लूजन है। आपको बस पता होना चाहिए कि ये इनपुट कौन सा है, जहां 1 है इनपुट सेट इनपुट है, सेट इनपुट के कारण सेट स्टेट में जाएगा और सेट स्टेट का मतलब मेन आउटपुट 1। नोट कर लिया? अब देखो, अब मैं दूसरा इनपुट भी देके बताता हूं आपको, ठीक है ओके। अब देखिए, ये इनपुट मैंने दिया यहां पे 1, ये इनपुट मैंने दिया यहां पे 1, ये देखिए ये इनपुट मैंने यहां पे दिया 1। देखो ये 1 किस पे दिया मैंने? सेट पे दिया कि रीसेट पे दिया? रीसेट पे दिया। कौन से स्टेट पे जाएगा? आपका लैच रीसेट स्टेट पे जाएगा। रीसेट स्टेट मतलब क्या? रीसेट स्टेट मतलब मेन आउटपुट 0 कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट 1, ठीक है, मेन आउटपुट 0 कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट 1 ओके। अब देखिए ये भी हो गया, फाइन ग्रेट। अब नेक्स्ट, अब देखो दोनों को इनपुट नहीं दिए, दोनों को इनपुट नहीं दिए तो लैच वेट कर रहा है। कौन से स्टेट में? होल्ड स्टेट पे। होल्ड स्टेट में वेट कर रहा है कि आप कुछ तो इनपुट देंगे, और जब तक आप इनपुट नहीं दोगे वो वेट करेगा होल्ड स्टेट में। और होल्ड स्टेट का मतलब Qn प्लस 1 इज इक्वल टू Qn, और Qn प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू Qn कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो पुराना इनपुट था, सॉरी जो पुराना आउटपुट था वही रिपीट होगा, जो पुराना आउटपुट था वही आपका जाके रिपीट होगा, सिंपल। ये था आपका होल्ड स्टेट। एंड नाउ फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देखो यहां इनपुट देने से सेट हो गया, यहां इनपुट देने से रीसेट हो गया, दोनों इनपुट नहीं दिए तो लैच वेट कर रहा है होल्ड स्टेट में, लेकिन दोनों इनपुट दे दिया। अब हमने दोनों इनपुट दे दिया, हमने बोला सेट हो जा रीसेट हो जा, लैच विल गेट कंफ्यूज एंड इट विल गो टू इनवैलिड स्टेट। इसका इनपुट 1 होने से ये भी 0 हो गया, इस NOR गेट का इनपुट 1 होने से ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो जब तक आप इनपुट नहीं दोगे लैच होल्ड स्टेट में वेट करता रहेगा, अगर आपने सेट इनपुट दिया तो लैच सेट हो जाएगा, अगर आपने रीसेट इनपुट दिया तो लैच रीसेट हो जाएगा, और आपने दोनों इनपुट दे दिया तो लैच कंफ्यूज हो जाएगा एंड इट विल गो इन टू इनवैलिड स्टेट, ओके ठीक है। सो अब हम लोग सेम डिस्कशन NAND गेट के लिए करने वाले, ठीक है, सेम डिस्कशन वी आर गोइंग टू डू फॉर द NAND गेट, ठीक है ओके। सो ये आपका NAND गेट के डिस्कशन के लिए, ओके अब देखिए ये NAND गेट का डिस्कशन, ओके सेम चीज यहां पे करते हैं, ठीक है। देखिए सेम चीज मींस व्हाट, ये देखो मुझे नहीं पता कि कौन सा इनपुट सेट है कौन सा इनपुट रीसेट है, NOR गेट में पहले नहीं पता था, डिस्कशन के बाद कंक्लूड किए ना, यहां पे डिस्कशन के बाद कंक्लूड करेंगे। सो देखिए दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, this one is A and this is B and this one is A and this is B, ठीक है। अब देखिए टेबल बना लेते हैं, अब देखो this is A, this is B, this is Qn plus 1, this is Qn plus 1 complement, this is A, B, Qn plus 1, Qn plus 1 complement and this state, ठीक है, फोर कॉम्बिनेशन अगेन। अब आप स्टार्ट कीजिए खुद से एक बार, आप एक बार देखिए खुद से स्टार्ट कर पाते हैं क्या, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 अगेन
मेरा सजेशन पहले 2 और 3 सॉल्व कीजिएगा, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, फिर उसके बाद 1 और 4 पे जाएंगे, ठीक है। सो देखो, फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, सेकेंड ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अब देखिए सारे इनपुट्स आ गए आपके पास, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे विथ कॉम्बिनेशन नंबर 2। ओके, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1, ये देखिए। अब देखो मैं आपको हिंट भी देता हूं कि यहां पे स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। पहला स्टार्ट करने का हिंट मैं देता हूं, आप ट्राई कीजिए, फिर बहुत ही जल्दी मैं आपको बताऊंगा। देखो नैंड गेट का, आप देखो जैसे मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया था कि नॉर गेट के इनपुट देख के आपको आउटपुट आना चाहिए, वैसे मैं यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नैंड गेट के इनपुट देख के आपको आउटपुट आना चाहिए, नैंड गेट के इनपुट देख के आपको आउटपुट आना चाहिए। देखो नैंड गेट में इनपुट 0 तो आउटपुट इज 1, और मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, व्हाट आई शुड डू, चलिए मैं यहां पे ना आउटपुट भी एक बार मेंशन कर लेता हूं, मैं यहां पे एक बार आउटपुट भी मेंशन कर लेता हूं, दिस इज क्यू एन प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट, सॉरी दिस इज क्यू एन प्लस 1 एंड दिस इज क्यू एन प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्यू एन प्लस 1, क्यू एन प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट, क्यू एन प्लस 1, क्यू एन प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट, क्यू एन प्लस 1, क्यू एन प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट। अब देखो नॉर गेट में लॉजिक क्या था जो हम यूज कर रहे थे, नॉर गेट का सिंपल लॉजिक था, नॉर गेट का एक भी इनपुट अगर 1 है आउटपुट विल बी 0, नॉर गेट का एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट विल बी 0। वैसे ही नैंड गेट का कॉन्सेप्ट है, नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 आउटपुट विल बी इक्वल टू 1। अब ये जो 1 है ये क्रॉस कपलिंग से यहां मिलेगा, अब नैंड गेट के दोनों इनपुट 1 हो गए, 1.1 होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू 0, मेन आउटपुट इज इक्वल टू 1, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट इज इक्वल टू 0, मेन आउटपुट इज इक्वल टू 1, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट इज इक्वल टू 0, और जब मेन आउटपुट 1 होता है इसको कौन से स्टेट बोलते हो आप, सेट स्टेट बोलते, ठीक है। जस्ट आई वॉन्ट कि आप थर्ड कीजिए, जस्ट आई वॉन्ट कि आप थर्ड कीजिए, तो ठीक है चलिए सबसे बनवाए, ग्रेट। चलो देखो नेक्स्ट थर्ड कॉम्बिनेशन, लेट अस सी द थर्ड कॉम्बिनेशन, ये देखो थर्ड कॉम्बिनेशन। अब देखो नैंड गेट पे I will start with the gate जिसका input 0, क्योंकि ये input 0 होने के कारण ये output हो जाता है आपका 1, ये output आपका हो जाता है 1, cross coupling से ये 1 यहां आ जाएगा, and NAND gate के दोनों input 1 हो गए, so 1.1 whole complement will be equal to 0, मेन आउटपुट इज 0, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट इज इक्वल टू 1, मेन आउटपुट इज इक्वल टू 0, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट इज इक्वल टू 1, व्हाट इज मेन आउटपुट 0, मेन आउटपुट 0 इज रीसेट स्टेट, मेन आउटपुट 0 इज रीसेट स्टेट, मेन आउटपुट 0 इज रीसेट स्टेट, ठीक है। अब और कौन सा आसान है यहां पे, ये देखिए अब यहां पे आपका आसान है, गेट का ये इनपुट भी 0 है, ये इनपुट भी 0 है, नैंड गेट की प्रॉपर्टी तो पता है ना, एक इनपुट 0 सो आउटपुट इज इक्वल टू 1, दिस इनपुट इज 0 अगेन आउटपुट इज इक्वल टू 1, दोनों सेम हो गए, ये देखिए दोनों के दोनों सेम हो गए 1 एंड 1, दोनों के दोनों सेम हो गए 1 एंड 1, इसका मतलब दिस इज इनवैलिड स्टेट, याद है ना, ये दोनों सेम नहीं हो सकते, अगर सेम हो गया तो कौन सा स्टेट है, इनवैलिड। मेन आउटपुट 1 सेट, मेन आउटपुट 0 रीसेट, दोनों सेम हो जाना नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंटेड सेम हो जाना इस इनवैलिड स्टेट। एक और बचा है उसको भी जल्दी से करते हैं, फिर कंक्लूजन पे आएंगे और फिर से एक इंटरेस्टिंग सा कंक्लूजन होगा हमारे पास, ठीक है। ओके, अब देखो दिस वन, फोर्थ वन, फोर्थ वन, सो ये आपका इनपुट है 1, ठीक है। ओके, अब देखिए
ये आपका फोर्थ वाला है. सो देखो, दिस इज ऑल्सो वन एंड दिस इज ऑल्सो वन. सो ये जो क्यू एन है ये क्रॉस कपलिंग से यहां पे आ जाएगा, एंड ये जो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है ये क्रॉस कपलिंग से यहां पे आ जाएगा. अब मुझे नीड है पास्ट आउटपुट की. इन तीनों में नीड क्यों नहीं पड़ी, ये देखो, जीरो था स्टार्ट हो गया, जीरो था स्टार्ट हो गया, दोनों जीरो थे स्टार्ट होके कंप्लीट भी हो गया, दोनों वन है. नैंड गेट में एक इनपुट वन है तो अकेले उस इनपुट से आप आउटपुट नहीं निकाल सकते, आपको बाकी इनपुट्स की नीड होगी. क्यू एन क्रॉस कपलिंग से यहां आ गया, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट क्रॉस कपलिंग से यहां आ गया. ठीक है, अब देखो आउटपुट निकालते हैं. अब देखो ये है वन डॉट क्यू एन कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू क्यू एन, और ये है वन डॉट क्यू एन होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट. क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू क्यू एन, क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट. ये तो कौन सी बात हो गई, ये बात हो गई होल्ड स्टेट वाली, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आउटपुट वन है कि आउटपुट जीरो है, लेकिन इतना पता है जो पहले आउटपुट था वही आउटपुट मेंटेन है. दिस इज कॉल्ड एज होल्ड स्टेट, दिस इज कॉल्ड एज होल्ड स्टेट, दिस इज कॉल्ड एज होल्ड स्टेट. ठीक है, सो देखो जस्ट इन शॉर्ट, इन शॉर्ट मैं जाता हूं क्योंकि बस कंफ्यूजन आने ही वाला है, तो इन शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं. देखो ये आपका टू नंबर था, ठीक है, ये आपका नंबर टू था, यहां से स्टार्ट की. देखो नैंड गेट इनपुट इज जीरो, आउटपुट विल बी वन, क्रॉस कपलिंग दिस वन ये इनपुट पे आ जाएगा, इस नैंड गेट के दोनों इनपुट वन हो गए, आउटपुट विल बी जीरो, मेन आउटपुट इज वन सेट स्टेट. थर्ड वन, दिस इनपुट इज जीरो, नैंड गेट का इनपुट जीरो, आउटपुट इज वन, क्रॉस कपलिंग से ये वन यहां आ गया, इस नैंड गेट के दोनों इनपुट वन हो गए, आउटपुट विल बी जीरो, मेन आउटपुट इज जीरो इज रीसेट स्टेट. ये सबसे इजी, इस नैंड गेट का भी एक इनपुट जीरो, इस नैंड गेट का भी एक इनपुट जीरो, दोनों नैंड गेट के आउटपुट वन वन, और जब दोनों आउटपुट सेम हो जाते हैं, जब दोनों आउटपुट सेम हो जाते हैं दिस इज कॉल्ड एज इनवैलिड स्टेट. एंड लास्ट वन, जब दोनों इनपुट वन है, जब दोनों इनपुट वन है, जब दोनों इनपुट वन है, देन दिस इज कॉल्ड एज क्यू एन एंड क्यू एन कॉम्प्लीमेंट होल्ड स्टेट. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये क्यू एन क्रॉस कपलिंग से यहां आ गया, ये पिछला आउटपुट पास्ट आउटपुट क्यू एन कॉम्प्लीमेंट क्रॉस कपलिंग से यहां आ गया, सॉल्व करके क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्यू एन और क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट. दिस इज द डिस्कशन. अब जस्ट हम बहुत अभी जस्ट इमीडिएटली हम यहां पे इमीडिएटली हम यहां पे अब कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं, इमीडिएटली हम यहां पे कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं. अब देखो यहां पे मैं लेट मी ड्रॉ this NAND latch once again. Let me draw this NAND latch once again. Okay, see this one. This is Qn plus 1. This is Qn plus 1 complement. This one is Qn and this is Qn complement. देखो यहां पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, देखिए दोनों इनपुट नहीं देने से इनवैलिड हो गया, दोनों इनपुट नहीं देने से इनवैलिड हो गया, थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो पा रहा इसमें. दोनों इनपुट देने से होल्ड कर गया, दोनों इनपुट देने से होल्ड कर गया, कनेक्शन नहीं बैठ रहा है. कनेक्शन कब बैठेगा ये देखिए, अब इसमें कनेक्शन फिट करेंगे. ध्यान से देखिएगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे इनपुट वन को नहीं मानते हैं,
यहाँ पे इनपुट जीरो मान के देखिए, जबरदस्त कनेक्शन बैठेगा और यहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है आपको। देखो जीरो को इनपुट मानते हैं, ठीक है। अब देखो ए को इनपुट देने से सेट स्टेट में चला गया, जीरो को इनपुट देना है। बी में इनपुट देने से रीसेट स्टेट चला गया, जीरो को इनपुट मानना है। दोनों को इनपुट नहीं मिला जिससे कि होल्ड स्टेट पे गया, परफेक्ट। दोनों इनपुट नहीं मिला, इनपुट जीरो को मान रहा हूं मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दोनों को इनपुट नहीं मिला। इनपुट किसको मान रहा हूं मैं? जीरो को मान रहा हूं, दोनों को इनपुट नहीं मिला। नाउ दोनों को इनपुट मिला, लैच शुड गेट कंफ्यूज एंड इट शुड गो टू इनवैलिड स्टेट विच इज परफेक्टली करेक्ट। तो यहां पे स्टोरी तब बैठेगी, यहां पे स्टोरी तब बैठेगी जब आप इनपुट को जीरो मानोगे। सो देखो ए में इनपुट देने से सेट, बी में इनपुट देने से रीसेट, दोनों में इनपुट नहीं देने से होल्ड, दोनों में इनपुट देने से इनवैलिड, परफेक्ट। सो जिसको मैं ए बोल रहा था और यहां पे मैं इसको बी बोल रहा था, अब ध्यान से देखिए ए में इनपुट देने से क्या हुआ? सेट। बी में इनपुट देने से क्या हुआ? रीसेट। लेकिन यहां पे इनपुट किसको मान रहे हैं हम लोग? यहां पे इनपुट मान रहे हैं जीरो को। यहां पे इनपुट किसको मान रहे हैं? यहां पे इनपुट मान रहे हैं जीरो को। यहां पे इनपुट किसको मान रहे हैं? जीरो को, ठीक है। सो देखिए इसीलिए ये ए को जो सेट है, मैं इसका नाम लिखूंगा सेट कॉम्प्लीमेंट और इसका नाम लिखूंगा रीसेट कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट हमें ये बताएगा कि ये लैच जीरो को इनपुट मानता है, ये लैच वन को इनपुट नहीं मानता। देखिए अभी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा इसको, अभी मैं आपको इसको यूज करके दिखाऊंगा। देखिए कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, देखो ये लो, चलो वन जीरो देख लिया कॉम्बिनेशन। देखो अब मुझे बस ये बता दो इनपुट किसको मिला, सेट को मिला कि रीसेट को मिला। ये सोच के बताना कि इनपुट जीरो को मानना है, इनपुट वन को नहीं मानना है। तो जीरो किस में मिला है? रीसेट में मिला। इनपुट किसको मिला? रीसेट को मिला। तो कौन सी स्टेट पे जाएगा? रीसेट। रीसेट स्टेट किसको बोलते हैं? जब मेन आउटपुट जीरो होता है और कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट वन होता है, उसको रीसेट स्टेट बोलते हैं। सिंपल, दैट इज सो सिंपल। आप देखिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन भी मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, चलिए इसको ले लो जीरो, इसको ले लो वन। अब आप मुझे ये बताओ इनपुट किसको मान, इनपुट किसको मानते हैं? वो तो जीरो को मान रहे हैं। अब इनपुट किस पे अप्लाइड है? सेट पे अप्लाइड है कि रीसेट पे अप्लाइड है? इनपुट अप्लाइड है सेट पे। इनपुट अगर सेट पे अप्लाइड है तो ये कौन सी स्टेट पे जाएगा? सेट स्टेट पे जाएगा। इनपुट अगर जीरो पे अप्लाइड है तो ये कौन सी स्टेट पे जाएगा? सेट स्टेट पे जाएगा। सेट स्टेट का मतलब मेन आउटपुट इज वन, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट इज जीरो। मेन आउटपुट इज वन, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट इज जीरो। मेन आउटपुट इज वन, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट इज जीरो, ठीक है। सो ये आपका सेट स्टेट हो गया। अब देखो Now let us see the next combination. देखो वन वन, इनपुट किसको मानते हैं? कॉम्प्लीमेंटेड लिखने का मतलब है इनपुट जीरो को मानते हैं। तो ना तो सेट को इनपुट मिला, ना तो रीसेट को इनपुट मिला, कोई इनपुट नहीं मिला। तो लैच होल्ड स्टेट पे जाएगा और होल्ड स्टेट में qn plus 1 equal to qn और qn plus 1 complement is equal to what? qn complement. Fine? So, ये आपका hold state. And the only combination left is 0, 0. इनपुट किसको मानते हैं? जीरो को कि वन को? नैंड लैच है, जीरो को इनपुट मानते हैं क्योंकि नाम के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। सेट को भी इनपुट मिला, रीसेट को भी इनपुट मिला, दोनों इनपुट मिल गया, लैच विल गेट कंफ्यूज
एंड इट विल गो इनटू इनवैलिड स्टेट. इनवैलिड स्टेट में इस नैंड गेट का इनपुट जीरो तो ये आउटपुट भी वन, नैंड गेट का ये इनपुट भी जीरो तो ये आउटपुट भी वन. दिस इज द इनवैलिड स्टेट. सो दिस इज द कंक्लूजन कि ये इनपुट सेट कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये इनपुट रीसेट कॉम्प्लीमेंट हो गया. अब देखिए जस्ट एक सिंगल स्लाइड में मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं, ठीक है? तो जस्ट कंक्लूजन, कंक्लूजन एंड दिस कंक्लूजन इज फॉर बोथ नॉर गेट एंड नैंड गेट. देखिए अभी तक जो आपने सीखा वो तो आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए था, एग्जाम में स्कोर करने के लिए बस आपको इतना आना चाहिए, वो बस आपको इतना आना चाहिए और ये बहुत अच्छे से और आसानी से बिना रटे हुए याद हो जाएगा अगर इसके पहले का डिस्कशन आपने इंटरेस्टिंग वे में सुना था तो. नाउ तो जस्ट कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं मैं. कंक्लूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में कंक्लूजन से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे. मैक्सिमम क्वेश्चंस गेट एग्जाम में कंक्लूजन से बन जाएंगे, ठीक है? तो जस्ट एक बार मैं नैंड गेट का भी बना लूं. ये नैंड गेट का लैच, दिस इज अनदर नैंड गेट का लैच. यहां देखिए सब लोग कंक्लूजन, कंक्लूजन में आप अगर सिर्फ इतना याद रख लिए जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, लैच का सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे. एंड बिलीव मी एटलीस्ट अभी तक के 8 to 9 क्वेश्चन सिर्फ लैच पे एग्जाम में आ चुके. मैं फ्लिप फ्लॉप की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लैच की बात कर रहा हूं. सिर्फ लैच पे 8 से 9 क्वेश्चन है जो कि सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है? सो जस्ट देखिए कंक्लूजन यहां पे कौन सा होगा. देखो ठीक है, ध्यान से देखिए कंक्लूजन. एक चीज जो बहुत ही सिंपल है, ये qn प्लस वन और ये qn प्लस वन कॉम्प्लीमेंट, ये qn प्लस वन और ये qn प्लस वन कॉम्प्लीमेंट, दिस इज qn, qn कॉम्प्लीमेंट, qn, qn कॉम्प्लीमेंट. नाउ आई एम कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन मिनिमम टाइम पे सॉल्व होंगे. कंक्लूजन सिर्फ इतना है, नॉर गेट में ये जो ऊपर वाला इनपुट होता है ये रीसेट इनपुट होता है और ये नीचे वाला इनपुट सेट होता है. एंड नैंड में ये इनपुट सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है और ये नीचे वाला इनपुट रीसेट का कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट नाम के ऊपर लिखने से ये शो होता है कि ये जीरो को इनपुट मानता है, वन को इनपुट नहीं मानता है. जबकि नॉर गेट वाले इनपुट पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, मतलब ये नॉर्मल इनपुट है, इट एक्सेप्ट्स वन एज द इनपुट. इसको हम लोग सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हैं, दिस इज एक्टिव हाई आउटपुट, दिस इज एक्टिव हाई आउटपुट एंड दिस इज एक्टिव लो आउटपुट. This is active low output, active high output and this is active low output. ठीक है, this is active high output and this is active low output means it accepts this accepts one as the input and this accepts जीरो एज द इनपुट. बस ये कंक्लूजन है जितना आपको बोर्ड पे अभी दिख रहा है. बस अगर आपको इतना पता है, लैच के सारे क्वेश्चन हम बनाने वाले, हाँ टॉगल का डिस्कशन मैंने अभी तक नहीं किया क्योंकि लैच में टॉगल नहीं आता है, ठीक है? लैच पे टॉगल नहीं आता है. फ्लिप फ्लॉप पे हम जाएंगे, वहाँ पे बिल्कुल हम टॉगल डिस्कस करेंगे. और जस्ट मैं एक बार देख रहा हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या मिस और आपने लिखा है, मैं जस्ट वो एक बार कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ. ओके
ठीक है, ग्रेट, ओके। तो जस्ट ये कंक्लूजन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। चलिए अब देखते हैं कि इसको एग्जाम में आप यूज कैसे करेंगे। ठीक है, इसको एग्जाम में अब हमको यूज करना है, राइट? ओके, अब देखिए। तो चलिए ये एक पहला क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर हम डिस्कशन करते हैं इसका। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है पहले क्वेश्चन, आपको ट्राई करना है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक नैंड लैच है और एक नॉर लैच। ठीक है, P1, P2 इनपुट है, Q1, Q2 आउटपुट है। इनपुट में 0-1 दिया है, फिर 1-1 दिया है। इनपुट गिवन है, लैच का कंक्लूजन आपके पास है। नॉर गेट में 1 को इनपुट मानते हैं, नैंड में 0 को इनपुट मानते हैं। सेट कौन सा होता है, रीसेट कौन सा होता है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। जस्ट आप एक बार क्वेश्चन को एटलीस्ट नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर बस इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट मैं आप के लिए वेट कर रहा हूं कि आप एक एफर्ट लगाइए, फिर बस मैं इमीडिएटली इसको सॉल्व करो। तो आज की क्लास बहुत ही यूजफुल है, आप लोगों ने अटेंड किया होगा, आपको बिल्कुल बहुत कुछ यहाँ से समझ में आएगा। और आप बस अभी देखिएगा कि आपको सारे एग्जाम के क्वेश्चंस भी आपसे बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब एटलीस्ट आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब चलिए मैं यहां पे सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं। ओके, देखिए ये नॉर लैच है, ये नैंड लैच। पहले इनपुट 0-1, फिर इनपुट 1-0। देखो एकदम सिंपल वे में इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, सब लोग सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपने बना भी लिया है तो जस्ट ये देखिए कि मैं यहां पे किस वे में इसको सॉल्व कर रहा हूं। अगर आपने बना भी दिया है जस्ट यहां पे देखिए, देखो आपको क्या कंक्लूजन यूज करना है, ध्यान से देखिए। नॉर गेट है, ये आपका रीसेट इनपुट है, ये आपका सेट इनपुट है। नॉर गेट में ये रीसेट इनपुट है, ये सेट इनपुट है। नैंड में ये सेट का कॉम्प्लीमेंट है, ये रीसेट का कॉम्प्लीमेंट है। नैंड में ये सेट का कॉम्प्लीमेंट है और ये रीसेट का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब इनपुट क्या गिवन है वो भी देखिए। पहले इनपुट है 0-1, लिखा हुआ देखिए 0-1। पहले इनपुट है 0-1, नेक्स्ट टाइम इनपुट है 1-1, नेक्स्ट टाइम इनपुट है 1-1। अब आप मुझे ये बताओ, नॉर गेट में 1 को इनपुट मानते हैं, नैंड गेट में 0 को इनपुट मानते हैं, तो यहां पे नॉर गेट में इनपुट क्या मिला, इनपुट मिला सेट। तो ये सेट स्टेट पे जाएगा
मेन आउटपुट 1 कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट 0 NAND में इनपुट किसको मिला इनपुट मिला सेट को सेट स्टेट पे जाएगा मेन आउटपुट 1 कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट 0 उसके बाद इनपुट हो गया 1-1 NOR गेट में किसको इनपुट मिला रीसेट को भी मिला सेट को भी मिला कौन सी स्टेट पे चला गया ये इनवैलिड स्टेट पे चला गया NOR गेट का इनपुट 1 आउटपुट विल बी 0 NOR गेट का इनपुट 1 आउटपुट विल बी 0 NAND गेट में दोनों को इनपुट नहीं मिला क्योंकि NAND गेट 0 को इनपुट मानता है NAND गेट 1 को इनपुट मानता ही नहीं तो कौन से स्टेट पे गया होल्ड स्टेट पे होल्ड स्टेट का मतलब जो पहले आउटपुट था वही रिपीट हुआ क्योंकि होल्ड है इसीलिए ये रिपीट हुआ 1-0 ठीक है सो देखिए ये देखो NOR गेट की अगर मैं बात करूं NOR गेट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट NOR गेट में फर्स्ट आउटपुट है 1-0 देन NOR गेट का आउटपुट है 0-0 और अगर मैं NAND गेट की बात करूं तो फर्स्ट NAND गेट में फर्स्ट आउटपुट है 1-0 देन अगेन आउटपुट है 1-0 जो हमने सॉल्व किया है वही मैंने यहां पे लिखा है आइए चेक करते हैं ओके NAND गेट में फर्स्ट 1-0 देन 0 NOR गेट में 1-0 देन 0 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर चेक कर लीजिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको शो कर देता हूं ठीक है चलिए ये क्वेश्चन आ गया चलिए ये क्वेश्चन है बनाइए ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं देखो फॉलोइंग बाइनरी वैल्यूज आर अप्लाइड टू द एक्स एंड वाई इनपुट्स ये देखिए एक्स और वाई इनपुट दिया हुआ है एक्स और वाई इनपुट दिया हुआ है आपको आउटपुट निकालना है आपको आउटपुट निकालना है मैक्सिमम लोग का डी आ रहा है मैक्सिमम लोग का डी आ रहा है और इलेक्ट्रिक वर्ल्ड से आईडी बनी हुई है सी आ रहा है ठीक है चलिए देखते हैं सॉल्व कीजिए मैं सॉल्व करूंगा फिर ये एक वैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें डिस्कस करने के लिए हमारे पास है एक पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट
तो क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, मैं इसके सॉल्यूशन पे जाता हूँ अब। ठीक है, देखिए मैक्सिमम लोग ने अपना एफर्ट लगा लिया है। देखिए अगेन नैंड लैच है, आपको पता होना चाहिए ये इनपुट है सेट का कॉम्प्लीमेंट, रीसेट कॉम्प्लीमेंट, सेट कॉम्प्लीमेंट, रीसेट कॉम्प्लीमेंट, सेट कॉम्प्लीमेंट, रीसेट कॉम्प्लीमेंट। इनपुट क्या क्या गिवन है, 0,1, इसमें इनपुट है 0, इसमें इनपुट है 1, इसमें इनपुट है 0 एंड इनपुट है 0, इसमें इनपुट है 1, इसमें इनपुट है 1। देखिए एग्जैक्टली ये क्वेश्चन में सभी लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, सभी लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। देखिए इनपुट किसको मिला, सेट को मिला, सेट सेट का मतलब मेन आउटपुट 1, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट 0। इनपुट किसको मिला, सेट रीसेट दोनों को मिला, क्योंकि नैंड गेट 0 को इनपुट मानता है। नैंड गेट किसको इनपुट मानता है, नैंड गेट 0 को इनपुट मानता है, दोनों को इनपुट मिला सेट एंड रीसेट। तो ये आपका दोनों इनपुट मिला तो ये इनवैलिड स्टेट में चला गया। नैंड गेट का इनपुट 0 आउटपुट इज 1, इस नैंड गेट का भी इनपुट 0 आउटपुट इज 1, ठीक है। नेक्स्ट दोनों इनपुट नहीं मिला क्योंकि नैंड गेट 0 को इनपुट मानता है, हम यही कंक्लूजन यूज करके चल रहे हैं, नैंड गेट 0 को इनपुट मानता है, 1 को इनपुट नहीं मानता है। सो ये दोनों को इनपुट नहीं मानता है, दोनों को इनपुट नहीं मानता है मींस कोई भी इनपुट नहीं मिला, होल्ड स्टेट। होल्ड स्टेट मींस क्यूएन और क्यूएन कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से सुनिए यहां पे, ध्यान से सुनिए यहां पे, होल्ड स्टेट का मतलब है क्यू एन और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि पुराना आउटपुट रिपीट होगा, कुछ लोग ये सोच रहे हैं पुराना आउटपुट रिपीट होगा, मतलब सम स्टूडेंट्स आर थिंकिंग कि ये 1 और 1 होगा, जबकि ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है, ये 1 1 नहीं हो सकता, क्योंकि क्यूएन और क्यूएन कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को ऑपोजिट होना चाहिए। होल्ड स्टेट में दोनों आउटपुट सेम नहीं हो सकते, होल्ड स्टेट में दोनों आउटपुट सेम नहीं हो सकते, क्यूएन और क्यूएन कॉम्प्लीमेंट ही होगा। देखो यहां तक आप सब लोगों ने सही किया कि होल्ड स्टेट भी आपको मिल गया, बस आपने ये सोचा कि ये पुराना आउटपुट रिपीट हो जाएगा, लेकिन यहां ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसीलिए क्योंकि होल्ड में ये दोनों सेम नहीं हो सकते, 1 और 1 अगर आप बोल रहे हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो देखिए आइए वापस आते हैं क्वेश्चन पे, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला है सेट इनवैलिड होल्ड, ठीक है, तो फर्स्ट आपको मिला सेट, फिर आपको मिला इनवैलिड, फिर आपको मिला होल्ड। ओके, सेट का मतलब मेन आउटपुट 0 और उसके बाद इनवैलिड। ये देखो सेट का मतलब मेन आउटपुट 1, ये देखिए सेट, ये आपका है सेट, ठीक है। अब ये देखिए ये आपका आ गया इनवैलिड, लेकिन जो लोग डी बोल रहे थे, आप मुझे ये बताइए कि क्या होल्ड स्टेट में ये हो सकता है, क्या होल्ड स्टेट में दोनों आउटपुट सेम आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते, होल्ड स्टेट में दोनों आउटपुट सेम नहीं आ सकते, होल्ड स्टेट में दोनों आउटपुट सेम नहीं आ सकते। इसका मतलब
एक वन होगा, दूसरा जीरो होगा, जैसा कि ऑप्शन सी में लिखा है. जैसा कि ऑप्शन सी में लिखा है, मेन आउटपुट इज वन, कॉम्प्लीमेंटेड इज जीरो, या मेन आउटपुट इज जीरो, कॉम्प्लीमेंटेड इज वन, 100% सी इज द करेक्ट ऑप्शन. डी बिल्कुल भी नहीं होगा, और सिंपल सा जस्टिफिकेशन है मेरा उसके लिए. होल्ड स्टेट, जो कि आप सब एग्री करते हैं कि होल्ड स्टेट है, होल्ड में पी और क्यू दोनों वन नहीं हो सकते, होल्ड में पी एंड क्यू दोनों वन नहीं हो सकते, होल्ड में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा. अब वो नहीं पता है कि कौन सा जीरो होगा कौन सा वन होगा, इसीलिए ऑप्शन सी में क्लियर कट लिखा है या तो पी वन क्यू जीरो होगा या तो पी जीरो और क्यू वन होगा. ठीक है, सो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर. चलिए, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी कुछ रखा नहीं है बहुत ज्यादा, इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी बहुत ज्यादा नहीं रखा. सिंपल सी बात पूछ रहा है, ए और बी अगर जीरो है तो सी और डी क्या होगा. देखो, नॉर गेट है, ठीक है, नॉर गेट है, नॉर गेट में ये हुआ रीसेट इनपुट और ये हुआ सेट इनपुट. रीसेट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, सेट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन में दिया हुआ. दोनों को इनपुट नहीं मिला, सो दिस विल गो टू होल्ड स्टेट. होल्ड स्टेट, मेन आउटपुट जीरो, ये कौन सी स्टेट बता रहा है? ये स्टेट बता रहा है रीसेट, नहीं हो सकता. ये बोल रहा है सेट स्टेट, नहीं हो सकता. सी ओ डी वन वन, सी डी जीरो जीरो, ये दोनों सेम, ये बोल रहा है इनवैलिड स्टेट, ये भी नहीं हो सकता. ये है होल्ड स्टेट, एंड विच इज परफेक्टली द करेक्ट आंसर. यस, सभी लोगों ने बोला ए, एंड यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड इन द गेट एग्जाम. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई थिंक इजी ही होना चाहिए. ओके, ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन ही है. दो नैंड गेट है, नाम हालांकि फ्लिप फ्लॉप लिखा हुआ है, बट ये डेफिनेटली लैच है, उससे कोई कंफ्यूज होने की नीड नहीं है. आपको बस ये पूछ रहा है अनस्टेबल स्टेट, अनस्टेबल स्टेट क्या इनपुट देने से मिलेगा. नैंड गेट में अनस्टेबल स्टेट क्या इनपुट देने से मिलेगा. ए, ए नैंड गेट में क्या इनपुट देने से अनस्टेबल स्टेट मिलेगा. देखिए, ये है सेट कॉम्प्लीमेंट, ये है रीसेट कॉम्प्लीमेंट. नैंड लैच को कंफ्यूज या किसी भी लैच को कंफ्यूज करना चाहते हैं इनवैलिड में जाने के लिए, तो दोनों में इनपुट दे दो. कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट है, तो इनपुट देने का मतलब क्या, इसको भी जीरो दे दो और इसको भी जीरो दे दो. So, X को भी जीरो दे दो, Y को भी जीरो दे दो. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जैसा कि सब लोग ने बोला, एग्जैक्टली करेक्ट, ग्रेट. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। ये सबने बना दिया, एक्सीलेंट, ग्रेट। ए की वैल्यू वन है और बी की वैल्यू भी वन है, लेकिन बी को चेंज किया गया, 10 10 10 सीक्वेंस अल्टरनेट। ए को फिक्स रखा गया है, बी को चेंज किया जाएगा। एक्स और वाई आउटपुट क्या होंगे, एक्स और वाई आउटपुट क्या होंगे? तो कुछ लोग आंसर बता रहे हैं ए और बी, जैसे कि स्पेशली ज्योत्सना, नैला, भीष्म, निखिल, तो आप लोग इसी का बता रहे हो क्या? जो भी आपको बोर्ड पे दिख रहा है इसी का आंसर है क्या, ए और बी जो आप बोल रहे हो? ए और बी जो आप बोल रहे हो वो इसी का है क्या? क्या वो इसी क्वेश्चन के लिए आप लोगों का आंसर आ चुका है अभी? ओके, शिव प्रसाद इज सेइंग ए, शुभांगी इज सेइंग बी, किल स्विच इज सेइंग ए, भीष्म प्रताप यस, मतलब इसी के लिए आपने बताया। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन तो आप लोगों ने नोट कर दिया। ओके अब देखो, चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम लोग का तो हो गया, बस आप लोग को चेक करना है, राइट? ओके ओके देखिए, ओके पहले दिया है कि ए और बी दोनों वन है, तो पहले तो नैंड गेट के इनपुट आप लिख लीजिए। ये होता है आपका सेट कॉम्प्लीमेंट, ये होता है रीसेट कॉम्प्लीमेंट, ये होता है सेट कॉम्प्लीमेंट और ये होता है रीसेट कॉम्प्लीमेंट। अब इनपुट क्या दिया है वो नोट कर लीजिए। पहले दोनों वन है, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन। फिर ए को तो वन पे ही फिक्स रखा गया है, लेकिन बी को अल्टरनेट किया गया, बी को 10 10 10 एंड सो वन, ये आपका आ गया जीरो। ठीक है ओके अब देखिए, सो देखो इनपुट किसको मिला, दोनों को इनपुट नहीं मिला होल्ड स्टेट। होल्ड स्टेट का मतलब क्यूएन और क्यूएन कॉम्प्लीमेंट। यहां इनपुट किसको मिला, रीसेट को मिला। कौन सी स्टेट पे जाएगा, रीसेट। रीसेट का मतलब मेन आउटपुट इज जीरो, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट इज वन। अब देखो पहले जब ए इज इक्वल टू वन और बी इज इक्वल टू वन था तो होल्ड स्टेट गया, फिर जब a इज इक्वल टू वन और b इज इक्वल टू जीरो है तो रीसेट स्टेट गया। इस रीसेट स्टेट के बाद फिर से होल्ड स्टेट आएगा, तो इसी रीसेट स्टेट के बाद होल्ड स्टेट आएगा। इसका मतलब यहां पे ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये जो 10 था यही यहां पे आके रिपीट होगा, सॉरी 01, जस्ट अ सेकेंड, 01, ये देखिए 01 01। पहले तो ये होल्ड था, तो चलिए हमने क्यूएन और क्यूएन कॉम्प्लीमेंट लिख लिया क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपने बी को जीरो दिया, जैसे ही आपने बी को जीरो दिया मतलब ये रीसेट हो गया। रीसेट का मतलब मेन आउटपुट इज जीरो, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट इज वन। मेन आउटपुट इज इक्वल टू जीरो, मेन आउटपुट इज इक्वल टू जीरो, यही चीज होल्ड में जाके रिपीट हुई। मतलब एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो होगी एंड वाई की वैल्यू हमेशा वन होगी। एक्स ऑलवेज इक्वल टू जीरो, वाई ऑलवेज इक्वल टू वन
एक्स ऑलवेज इक्वल टू जीरो, वाई ऑलवेज इक्वल टू वन, यस डेफिनेटली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल आप लोगों ने सही बोला, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फिक्स्ड एट जीरो एंड वन रेस्पेक्टिवली, परफेक्ट आंसर, ग्रेट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको मैं. बिल्कुल मैक्सिमम लोग सही क्वेश्चन बना रहे हैं, दैट इज एक्सीलेंट. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए. क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें, ऑल ऑफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. डीले है यहां पे, डीले है क्वेश्चन, ठीक है, वो भी अनइक्वल. अनइक्वल का मतलब दोनों गेट का डीले अलग अलग है, एक डीले फास्ट है एक स्लो है. जब आप आपस में कंपेयर करते, एक गेट फास्ट है एक स्लो है, इसका मतलब अनइक्वल प्रोपगेशन डिले. अब पहले इनपुट पी क्यू इज इक्वल टू जीरो जीरो दिया हुआ है, फिर पी क्यू इज इक्वल टू वन वन किया जाएगा, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अनइक्वल प्रोपगेशन डिले. तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन के जो हमने डिस्कस कर लिया. तो जस्ट आपको एक बार ट्राई करना है, ठीक है. आंसर आ रहा है आप लोगों का ए और बी, अभी तो ऐसे बी आ रहा है मैक्सिमम लोग का. अच्छा वो पिछले क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है, तो अभी आंसर आ रहा है आप लोग का बी. यहां पे मैं पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है, पहले तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्टकट में आंसर बता दूंगा, फिर हम यहां पे थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे. ये क्वेश्चन जिससे बन भी चुका है वो लोग भी ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन जिससे बन गया है वो लोग भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जिन लोग से क्वेश्चन बन गया है वो लोग भी ध्यान से सुनिएगा. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कशन इसके सॉल्यूशन में. ओके सो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन एक बार चेक करते हैं. ओके देखिए स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है. देखो नैंड गेट है, इतना तो क्लियर था. सो देखो सेट कॉम्प्लीमेंट रीसेट कॉम्प्लीमेंट, सेट कॉम्प्लीमेंट रीसेट कॉम्प्लीमेंट, सेट कॉम्प्लीमेंट रीसेट कॉम्प्लीमेंट, सेट कॉम्प्लीमेंट रीसेट कॉम्प्लीमेंट, अनइक्वल प्रोपेगेशन डिले. अच्छा आइए चलिए पहले तो मैं शॉर्ट में आपको आंसर बता दूं. देखो सिंपलेस्ट वे में अगर आप आंसर को चेक करेंगे, सिंपलेस्ट वे में इफ यू वांट टू चेक द आंसर, सो देखिए एट द एंड पी क्यू इज इक्वल टू कितना है, वन वन. एट द एंड पी क्यू इज इक्वल टू वन वन है. सो देखो दिस इज सेट कॉम्प्लीमेंट, दिस इज रीसेट कॉम्प्लीमेंट. पहले तो था जीरो जीरो, फाइन, अब क्या है फाइनली वन वन. इस केस में ही आपको आउटपुट पूछ रहा है ना, तो ये भी वन है और ये भी वन. नैंड गेट किसको इनपुट मानता है, जीरो को. ये भी इनपुट नहीं मिला, ये भी इनपुट नहीं मिला, कौन सी स्टेट पे जाएगा, फुल स्टेट.
कौन सा होल्ड स्टेट दिख रहा है? ये होल्ड स्टेट नहीं है, ये होल्ड स्टेट नहीं है, इनवैलिड है, ये भी होल्ड स्टेट नहीं है, होल्ड स्टेट बस ये वाला है आपका, इट हैज टू बी बी, जैसे आप लोग बोल रहे हैं। लेकिन अब मैं इसका थोड़ा सा डिस्कशन डिटेल में कर लेता हूं, मे बी आगे जाके कहीं आपको किसी और क्वेश्चन में नीड पड़े, ठीक है। अब देखो, ओके, अब अनइक्वल प्रोपेगेशन डिले मतलब दोनों गेट्स का डिले अलग अलग है। तो मान लो एक बार इसको मैं स्लो मान लेता हूं और इसको फास्ट मान लेता हूं, और नेक्स्ट टाइम इसको फास्ट मान लूंगा और इसको मैं स्लो मान लूंगा, ठीक है। पहले तो दोनों जीरो जीरो है, पहले तो दोनों ही केसेस में जीरो जीरो है, मतलब इनपुट सेट को भी मिला और रीसेट को भी मिला, ये आपका चले गया इनवैलिड स्टेट। नैंड गेट का इनपुट जीरो आउटपुट विल बी वन, नैंड गेट का इनपुट जीरो आउटपुट विल बी वन, सेम चीज इनवैलिड स्टेट, सेम एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, जीरो मीन्स आउटपुट इज वन, जीरो मीन्स आउटपुट इज वन। अब देन ये पहले की सिचुएशन है, अब ये न्यू सिचुएशन, न्यू सिचुएशन बोथ इनपुट्स आर वन एंड वन, ये देखिए दिस इज इक्वल टू वन, ध्यान से देखिएगा, दिस इज इक्वल टू वन एंड दिस इज इक्वल टू वन, दिस इज इक्वल टू वन एंड दिस इज इक्वल टू वन, ये पहले की सिचुएशन थी और ये अब बात की सिचुएशन है। देन दो अलग अलग मैं क्यों बना रहा हूं, एक में इसको फास्ट मानूंगा, एक में इसको फास्ट मानूंगा, ठीक है, ओके। अब देखिए देन कंटिन्यूएशन में ना, पहले पी क्यू इज इक्वल टू जीरो जीरो था, फिर पी क्यू इज इक्वल टू वन वन हो गया। देन कंटिन्यूएशन है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बन भी चुका है फिर भी एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो प्लीज सी हियर, अब देखो पहले आउटपुट क्या मिला था, वन वन, तो ये देखिए ये पास्ट आउटपुट है इसका वन, और इसका भी पास्ट आउटपुट है, ये देखिए आउटपुट वन वन मिल चुका है ना, उसी का कंटिन्यूएशन है, वन और वन मीन्स पास्ट आउटपुट इज वन, दिस पास्ट आउटपुट इज वन। अब देखो ये भी वन क्रॉस कपलिंग से यहां पे आ जाएगा, ये भी वन क्रॉस कपलिंग से यहां आ जाएगा, लेकिन कौन सा फास्ट सॉल्व करेगा सर्किट को, ये नीचे वाला, ये फास्ट है ना, सो ध्यान से देखिए ये फास्ट है, ये आउटपुट पहले देगा, तो ये वन क्रॉस कपलिंग से यहां पे आ गया, वन और वन नैंड गेट में गया तो आउटपुट मिला जीरो। अब आउटपुट जीरो मिलने का मतलब क्या है, यहां पे देखिए ये जो पहले आउटपुट वन था ना, अब वो जीरो हो गया, नाउ दिस जीरो विल कम हियर, और इस नैंड गेट का इनपुट जीरो होने के कारण ये आउटपुट वन। कुछ लोगों को थोड़ा डाउट हुआ होगा, फिर से सुनिए, ये देखिए वन और वन, ये पास्ट आउटपुट वन और वन, पास्ट आउटपुट नहीं, पहले कौन सा स्पीडली आंसर देगा, ये गेट पहले सॉल्व करेगा, सो ये वन, देखो वैसे तो ये वन भी यहां पे अवेलेबल था, यहां पे भी वन है, यहां पे भी वन है, क्योंकि दोनों का पास्ट आउटपुट वन है, लेकिन फास्ट रिएक्ट कौन करेगा, ये गेट, तो ये वन और ये वन नैंड गेट का आउटपुट देंगे जीरो, ये जीरो क्रॉस कपलिंग से आएगा यहां पर, और ये जीरो के कारण नैंड गेट का आउटपुट हो गया वन। अब अगर ये फास्ट है तो प्रोसेस देखिए क्या होगा, देखो ये वन, ध्यान से सुनना ना, एकदम ध्यान से सुनना, थोड़ा सा भी कुछ कंफ्यूजन अगर बच गया तो इसमें सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये वन भी यहां पे अवेलेबल है, ये वन भी क्रॉस कपलिंग से यहां पे आएगा, दोनों वन आ जाएंगे, लेकिन फास्ट कौन सा है, ये, तो ये वन यहां मिला, ये फास्ट आंसर देगा, वन और वन नैंड गेट में गया, आउटपुट विल बी जीरो, दिस जीरो बाय द क्रॉस कपलिंग पाथ, दिस जीरो बाय द क्रॉस कपलिंग पाथ विल गिव आउटपुट हियर, इसका आउटपुट इसके इनपुट में आ गया, ये जो कि लेट रिएक्ट करेगा, जब तक ये रिएक्ट करता तब तक इसका इनपुट जीरो आ गया,
NAND गेट का इनपुट 0, आउटपुट इज 1. देखो आंसर तो 10 और 0.1 जो आपने बोला वो सही है. ध्यान से देखिए, आंसर तो 0.1 और 1.0 जो आपने बोला सही है, लेकिन फास्ट वाले का आउटपुट 1 होगा कि स्लो वाले का आउटपुट 1 होगा, ये चीज भी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं. ध्यान से देखिए, जो फास्ट होगा उसका आउटपुट 0 होगा. ये देखिए, जो गेट फास्ट होगा उसका आउटपुट 0 होगा, जो गेट स्लो होगा उसका आउटपुट 1 होगा. जो गेट फास्ट होगा उसका आउटपुट 0 होगा, जो गेट स्लो होगा उसका आउटपुट 1 होगा. ये इंपॉर्टेंट एडिशनल चीज जो हमने डिस्कस की, क्वेश्चन एंड एग्जाम के लिए एक अलग चीज है. एग्जाम के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट यहां पे हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन सा आउटपुट 0 और कौन सा आउटपुट 1. तो फास्ट वाले का आउटपुट 0, ध्यान से देखिए, ठीक है. सो ये देखिए, जो गेट फास्ट होगा, जो गेट फास्ट होगा उसका आउटपुट 0 आएगा, और जो गेट स्लो होगा उसका आउटपुट 1 आएगा. यही हमने यहां पे डिस्कस किया. ये देखिए, फास्ट का आउटपुट 0, स्लो का आउटपुट 1. तो या तो x 0 होगा, y 1 होगा, या तो अपोजिट होगा. कौन सा 0, कौन सा 1? जो फास्ट होगा उसका आउटपुट 0, जो स्लो होगा उसका आउटपुट 1. ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए. लेट मी सी. ओके, ठीक है. सो अभी 9 बजे आपकी दूसरी क्लास है, नेटवर्क या पीएसए कुछ क्लास है अभी, है ना. आई थिंक कोई ना कोई क्लास है अभी शेड्यूल में 9 बजे. तो ठीक है, चलिए. वैसे एक आध क्वेश्चन ही हार्डली बचा था, ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन तो हो ही गया है. तो कल बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन जो हम लोग कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे. ये जो हमने आज जितना मेहनत किया है लैच को समझने के लिए, इसकी हेल्प से आप देखिएगा आपका फ्लिप फ्लॉप एकदम इजी हो जाएगा. इस मेहनत करने के कारण आपका जो फ्लिप फ्लॉप का डिस्कशन है वो आसान होगा. और आप जस्ट कुछ क्लासेस अभी देखते जाइए, लैच और फ्लिप फ्लॉप में जो भी आपके कंफ्यूजन्स थे, या आपका पढ़ना ही आपने स्टार्ट नहीं किया था, जो भी होगा अब आपको 100% क्लियर होगा. और इसमें आपसे सारे क्वेश्चंस एग्जाम में, आने वाले गेट एग्जाम में सॉल्व होंगे. पिछले गेट एग्जाम के क्वेश्चंस तो हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे डेफिनेटली, आने वाले गेट एग्जाम के क्वेश्चन भी इस कॉन्सेप्ट से आपके सॉल्व होंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन. ठीक है, सो चलिए अब हम लोग बहुत ही जल्द कल या परसों में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सो कल या परसों बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. गेट अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए. मेरे ख्याल से तो आप लोग जितने लोग देख रहे हैं सबने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जस्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जैसे ही क्लास शेड्यूल होती है, तो जैसे ही क्लास शेड्यूल होती है आपको नोटिफिकेशन आता है. कम्युनिटी पोस्ट में भी, कम्युनिटी पोस्ट हमने पोस्ट करते हैं, तो इन केस अगर आप लोग में से कोई भी सब्सक्राइब नहीं है तो अभी तुरंत जाके गेट अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. ठीक है, तो पहले जल्दी से गेट अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. ठीक है, सो बाकी आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया. ठीक है, और बहुत लोग की जो रिक्वायरमेंट है कि सेटअप टाइम, होल टाइम, ये मैं बिल्कुल जो सेटअप टाइम और होल टाइम है इसका डिस्कशन मैं डिटेल्ड वे में विथ दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अभी तक के आई थिंक मेरे दो क्वेश्चन आए हैं. आई थिंक एक तो अभी 2020 में ही आया था जस्ट रिसेंटली, वो भी मैं डिस्कस करूँगा. ठीक है, तो जस्ट कंटिन्यू करते हैं. तो थोड़ा सा लैच के एक दो क्वेश्चन हम लोग कल भी डिस्कस करेंगे, आई मीन नेक्स्ट क्लास में. बिफोर स्टार्टिंग द फ्लिप फ्लॉप हम एक क्विक रिविजन कर लेंगे फ्लिप फ्लॉप का विथ द टू मोर क्वेश्चंस दैट आर लेफ्ट, दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास. तो आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा तो आपको जस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी. ठीक है, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी. ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर दिस सेशन. सो आई होप कि आप लोग को सबको अच्छा लगा. थैंक यू.